दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप ये मॉडल देख रहे हैं, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत प्लान होने वाला है। हमारे एक पेड यूजर हैं, उन्होंने हमें कॉन्टेक्ट किया था, उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था उसको मैंने क्रिएट किया है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफिल करते हुए ये इस मॉडल को बनाया है। तो अगर आप भी कोई ऐसे मकान चाहते हैं, ऐसे घर के नक्शे चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसी पर कॉन्टेक्ट करें। तो आज का मॉडल यही होने वाला, मैं इसे मैक्सिमम जूम करके आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। ये दोस्तों एक गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम में आप ऊपर से देख सकते हैं 2.5 फीट को आपको मैंने छज्जा आगे निकाला है, और इधर आपको जो गांव में खफरेल वाला स्टाइल होता है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है लगभग 1.5 से 2 फीट में। इसके बाद साइड में भी इनका बारंदा था, मतलब कि जगह नहीं की है, सिर्फ बजे मैंने साइड में विंडो वगैरह लगा रखी है जहाँ पॉसिबल है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका बारंदे का जो डिजाइन है आपका कर्व शेप में बना हुआ है। ये गेस्ट रूम है इसीलिए यहाँ पर फ्रंट में मैंने एक विंडो और दे रखी है। तो जैसे आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो ये आपको एक बारंदा देखने को मिलेगा, इसी बारंदे से आपकी सभी जगह एंट्री होने वाली है। बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचते ही आप देखेंगे ये आपको एक बारंदा देखने को मिलता है, बड़ा सा ये बारंदा पूरा। इसके बाद इस बारंदे से आपको गेस्ट रूम में एंट्री के लिए मैंने डोर दिया है, देख सकते हैं डोर दिया है। यहाँ से आप गेस्ट रूम में जाएंगे और इस गेस्ट रूम से अगर आप अंदर जाते हैं तो इसके लिए मैंने एक डोर और दिया, इससे आप अंदर पहुँच जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट अंदर नहीं जाना चाहते हैं, आप बारंदे के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप बारंदे में आएंगे, इसके बाद ये डोर दिया है जिससे आप अंदर एंट्री करेंगे। ये दोस्तों किचन एरिया है, ये देख सकते हैं किचन एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर विंडो दिया है, साइड में प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे, साइड में भी एक विंडो दिया है। तो किचन में आपको 2 विंडो मिलते हैं, इससे प्रॉपर हवा पास होती रहे। इसका इधर आपकी स्टेयर्स हैं, इधर आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे टर्न होकर वापस आ जाएंगे। सबसे पीछे की बात करें तो 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं, दोनों बेडरूम में अलग अलग डोर और विंडो दिया है। इस कॉर्नर वाले जो आपका बेडरूम है वहाँ पर आपको 2 विंडो मिलते हैं, साइड में और एक फ्रंट में। हालांकि इस वाले बेडरूम के लिए केवल डोर ही मिलता है, यहाँ पर विंडो नहीं मिला है, ये आपका लेटेंट बाथ एरिया बना हुआ है। तो 3 बेडरूम जो कि बेहतरीन से मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े साइज हैं, एक बारंदा, किचन, लेट बाथ वगैरह के साथ ये पूरा आपका ग्राउंड फ्लोर बनकर रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं मोर मैक्सिमम जूम कर देता हूं जिससे आपको उसके रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए, सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है, चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल, इधर ये आपका खबर का डिजाइन जो कि गांव क्षेत्र में रखते हैं, जो कि सिर्फ बारंदे को कवर किया है एल शेप में, उसके बाद ग्रिल आपकी लगी हुई स्टील की। इधर मैंने 2.5 फीट से आगे निकाल करके ये ग्रिल लगाई है, इसका विशेष ध्यान रखें। ये दोस्तों आपकी गुमटी बनी है जो कि आपको स्टेयर्स को ढकती है, और ये डोर जैसे आप छत पर आ पाएंगे उसके ऊपर मैंने पानी का टैंक रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मॉडल था पूरा 27.6x38 जो कि हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर आपको हमारा ये मॉडल पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें और इसके बाद मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको वो हमारी पेड सर्विस है, आपको 50% एडवांस पे करना होता है, बाद बाकी पैसा बाद में देना होता है। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।